roses. I might pull a flexin' on these niggas like a rose. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के खिलाफ जमकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ट्विटर पर कलाकारों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। इन कलाकारों में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और अब सनी देओल का भी सलमान पर काफ़ी बड़ा बयान देखने को मिला है। हर किसी को सनी पाजी का यह बयान ज़रूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए। सनी देओल के इस बयान से सलमान के भी होश उड़े हुए हैं, इसलिए अब सलमान ने अपने फैंस से अपील कर दी है कि वे सुशांत के फैंस का साथ ज़रूर दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उस साइड में बेल का आइकन होगा, उस पर भी क्लिक कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। सलमान खान ने एक ट्वीट करके लिखा था कि मैं अपने सभी फैंस से गुजारिश करता हूँ कि वह सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहें और गलत भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस मुश्किल समय में सुशांत के परिवार का सहारा बनना जरूरी है। किसी अपने के चले जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। सलमान खान का अब भी हो रहा है जमकर विरोध। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई जगहों पर सलमान खान के पुतले फूके गए हैं। बिहार में कई जगह बीइंग ह्यूमन शोरूम में उनकी तस्वीरें भी हटा दी गई हैं। इसके साथ ही जिन जगहों पर सलमान के पोस्टर लगे हैं, लोग उन्हें उतार कर जला भी रहे हैं। ऐसा बिहार में माहौल बना हुआ है। लगातार लग रहे हैं आरोप। अनुराग कश्यप के भाई और दबंग के निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान और उनके परिवार पर बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। अभिनव का कहना है कि इस फिल्म के दौरान सलमान खान और उनके परिवार ने उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। अभिनव कश्यप कहते हैं कि मेरी हालत अब ऐसी हो गई है कि मुझे इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं देता है और यह सब सलमान के कारण हो रहा है। बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल ने अब सुशांत को लेकर अपनी बात कही है। सनी देओल ने कहा है कि वह सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। चाहे वह शाहरुख खान और शाहिद कपूर द्वारा की गई फिल्म फेयर अवार्ड में बेइज्जती हो। ऊपर आ जाओ, आ जाओ। हेलो हेलो, फिर बोल क्या है, क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? या फिर सलमान खान द्वारा उन्हें बैन किया जाना। सुशांत ये सब सहन नहीं कर पाए। मीडिया वाले लोग भी सुशांत को लेकर कई ब्लाइंड आइटम जैसी गलत चीजें लिख रहे थे, जिससे सुशांत का कोई नाता भी नहीं था। इसी कारण सुशांत डिप्रेशन में गए और उनको समझने वाला कोई नहीं था, जिस कारण उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से बेहद ही दुखी हैं और गुस्से में भी नज़र आ रही हैं और उन्होंने अपनी ओर से मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। ऐसे में कंगना ने कुछ लोगों के साथ इंटरव्यू किए, उनसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सवाल किए। इसके बाद कंगना ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना एक बार फिर से नेपोटिज्म को सुशांत के सुसाइड का कारण बता रही हैं और बेहद ही गुस्से में दिखाई भी दे रही हैं। अब ये बात तो साफ हो गई है कि ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या डिप्रेशन में आकर ही अपनी जान दी होगी या इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश नज़र आती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।